शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा तथा जमीनों की खरीद फरोख्त और गलत तरह से मुतवल्ली नियुक्ति करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहसिन रजा की शिकायतों पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने बताया कि लोगों को उम्मीद थी कि योगी सरकार में वक्फ संपत्तियों की जाँच होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। वक्फ की संपत्तियों जो कि रजिस्टर्ड हैं, 1,30,000 इन संपत्तियों से आने वाला एक भी रुपया दबे कुचले मुसलमानों को नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वह सरकारी कब्जे में है और जो जमीन बची हुई है वह लोकल भूमाफियाओं के कब्जे में है। जब भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सीओ के जरिए उन कब्जों को हटाने का प्रयास किया, डीएम और कप्तान का समर्थन नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार करता हूं, मुस्लिम समाज की तरफ से, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि उन्हें यही उम्मीद थी कि अगर योगी सरकार में जांच होगी तो हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि उनका अधिकार का हनन हो रहा था, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, क्योंकि वक्फ की संपत्तियाँ जो रजिस्टर्ड वक्फ हैं 1,30,000, उन संपत्तियों से आने वाली आमदनी का एक रुपया भी गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को नहीं मिल रहा था पिछले 40-50 सालों से। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में आखिर है क्या जिसपे भ्रष्टाचार की जांच होनी है? जितनी भी जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं या तो सरकारी कब्जे में हैं और जो जमीनें बची हुई हैं वो लोकल भू माफियाओं के कब्जे में हैं। जब भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सीओ के जरिए उन कब्जों को हटाने के प्रयास किए, उसमें उनको डीएम और कप्तान का समर्थन नहीं मिलता, तो समाजवादी पार्टी ये कहना चाहेगी कि आप एक ऐसा जांच बिठाइए कि जिलेवार जितनी भी जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे में हैं वो कब्जे हटें। सबसे पहले